कन्या राशि वालों नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आप सभी को बता दें, मजबूरी में सच्चाई बता रहा हूं। निवेदन बस आपसे इतना है कि मुझे माफ कर देना, क्योंकि दोस्तों ये सच्चाई बताना आप सभी को बहुत ज्यादा आवश्यक है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज शाम के 5:50 के बाद आप सभी का पूरा जीवन बदल जाएगा। बस आप आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा और आपका जीवन कैसे बदलेगा एक एक बात आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें, हर एक स्वच्छ इंसान का सपना होता है कि वह अपने जीवन काल में समय के साथ प्रगति करे, खुद को अपने परिवार को खुशियां दे, अपने परिवार के सपने को पूरे करें, खुद के इच्छाओं को पूरा करें। जी हां दोस्तों, और अब आप कुछ ऐसा ही करने वाले हैं दोस्तों। बस आपको समय निकालकर इस वीडियो को एक बार अंत तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो भले ही हम मजबूरी में बता रहे हैं, लेकिन यह बातें आपके जीवन को बदल देंगे। जी हां दोस्तों, आज शाम के 5:50 के बाद सूर्य और मंगल का राशि परिवर्तन हो चुका है, और सूर्य और मंगल का सबसे अच्छा और सबसे आसान उपाय है। दो ऐसी चीज के बारे में आपको बताने वाले हैं जिससे आपका किस्मत ही नहीं बल्कि कुंडली का रूपरेखा बदल जाएगा। यह चीज सबको नहीं बताना चाहिए, लेकिन हमने आपकी कुंडली का विश्लेषण किया है। हमने देखा है कि आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियों को झेले हैं और लोगों ने भी आपको बहुत ज्यादा परेशान किया है, और यह चीज हमें बहुत बुरा लगा। लेकिन अब ऐसे मौका आया है जब आप यह दो चीज अपने साथ रखेंगे तो आप करोड़ों के मालिक बन जाएंगे। जी हां दोस्तों, उसके बारे में जाने से पहले सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी 3 बार लिख दीजिएगा। माता रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। यह दो चीजें जहां पर भी रहेंगी वहां माता लक्ष्मी का वास हर पल प्रतिपल रहने वाला है। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि यह दो चीजें आपके जीवन में भगवान का वरदान बनकर आएंगी, आशीर्वाद बनकर आएंगी, और यदि आपने इन दो चीजों का सही तरीके से प्रयोग करना सीख लिया, इन्हें हर पल प्रतिपल अपने पास रखा पूरे नियम और विधि विधान के साथ, तो एक बात तो पक्की है कि आपके जीवन से धन की हर प्रकार की समस्या गायब होने वाली है। आप अपनी आंखों के सामने पैसे रुपए की बरसात होते अपने जीवन में स्वयं देखेंगे। कुछ ही दिनों में आपके कर्जे चुकने शुरू हो जाएंगे, आपकी आमदनी बढ़ती चली जाएगी, और दिन दनी रात चौक नहीं तरक्की करते हुए आप अपने जीवन को स्वर्ग के समान सुसुंदर बना पाएंगे। तो जयकारा बोलो माता रानी का, जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो, माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। बंधुओं, अब आप यह जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर यह दो चीजें कौन हैं और इनका काम करने का तरीका क्या है, और इस बात की गारंटी क्या है कि यह दो चीजें आपके जीवन में पैसे की बरसात कराएंगे, आपके जीवन की दुख और तकलीफों को मिटा देंगे और जीवन को स्वर्ग के समान सुंदर बना आएंगी। तो बंधुओं, हम आपको बता दें कि इन दो चीजों के विषय में अब तक आपको शायद इसलिए किसी ने नहीं बताया क्योंकि जो शक्तिशाली क्रियाएं होती हैं, जो सचमुच में काम करने वाली चीजें होती हैं, उनके बारे में जानते तो बहुत सारे लोग हैं, परंतु बताते इसलिए नहीं है क्योंकि इन चीजों की मर्यादा एं होती हैं, और कुछ चीजों की मर्यादा एं इस प्रकार की होती हैं कि जितना उन्हें गुप्त रखा जाएगा उतना ही उनका बल बढ़ता चला जाएगा। इसी के साथ साथ दूसरा कारण यह भी है कि लोग इन चीजों को बताने के बदले में मोटी मोटी रकम हजारों लाखों रुपए दूसरों से फीस के तौर पर मांगते हैं। इसी से उनका व्यापार चलता है और यह चीजें काम भी करती हैं, तो लोग हंसी खुशी बदले में पैसे भी दे देते हैं। शायद इसी वजह से अब तक आपको इन दो चीजों के बारे में किसी ने कुछ भी नहीं बताया है, तो अब आज समय आ चुका है, अब आपका भाग्य परिवर्तन होगा। माता रानी ने आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए एक सुनहरा अवसर आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से दे दिया है, तो अब आपको करना यह है कि आने वाले इस सौभाग्य का माता रानी की विशेष कृपा और आशीर्वाद का स्वागत करना है और इस कार्यक्रम को अंत तक पूरे मन के साथ और भक्ति भाव के साथ देखना है। क्योंकि बंधुओं, जब दिव्य शक्तियां हमारा साथ देने के बारे में सोचती हैं और हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए
हमारे जीवन में कुछ विशेष परिस्थितियों का निर्माण करती हैं, किसी विशेष व्यक्ति को माध्यम बनाकर भेजती हैं। तब यह हमारा धर्म बनता है कि हम इन बातों को समझें, इनकी गहराई, इनके महत्व और इनके प्रति अपने मन में भाव भी रखें, क्योंकि यह दिव्य शक्तियां हैं। इनकी कृपा बड़े भाग्यवान लोगों को प्राप्त हो पाती है, और जो अभागी, दुर्भाग्यशाली या यूं कहे कि मूर्ख लोग होते हैं जो इन बातों को नहीं समझते हैं, दिव्य शक्तियों का अपमान कर देते हैं, निरादर कर देते हैं। तो एक बार जो दिव्य शक्तियों ने अपना हाथ छुड़ाया और आगे बढ़ गई, तो फिर जीवन भर सिवाय तड़पने के, परेशान होने के, व्याकुल रहने के कुछ भी नहीं मिलता है। इसीलिए बंधु, हम आपसे कह रहे हैं कि आपको इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखना है, माता रानी की इस कृपा और आशीर्वाद का सम्मान अवश्य करना है। ऐसी गलती या यूं कहे कि पागलपन या मूर्खता मत करना कि इस कार्यक्रम को बीच में ही छोड़कर चले गए। अब एक और बात यहां पर हम बता दें आपको कि हम सारी बातें आपको नियम, विधि विधान और संस्कारों के साथ बताने वाले हैं, तो हो सकता है कि कार्यक्रम थोड़ा सा लंबा हो जाए, परंतु आपको पूरे धैर्य का परिचय देना है और शांति के साथ मन में भाव रखते हुए इस कार्यक्रम को देखना है। बिल्कुल भी चंचलता नहीं, व्याकुलता नहीं और जल्दबाजी नहीं। यदि आप कोई दूसरा कार्य कर रही हैं, तो ऐसे में इस कार्यक्रम को ना देखें। काम को समाप्त करने के बाद ठंडे दिमाग से, फुर्सत से इस कार्यक्रम को देखें, क्योंकि यह कार्यक्रम आपके जीवन को बदलने की दम रखता है, और ऐसे महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम रोज रोज नहीं बनते हैं। दिव्य शक्तियों की कृपा और आशीर्वाद से ही ऐसे कार्यक्रमों का निर्माण होता है, तो ऐसे में तो आप कम से कम समय निकाल ही सकते हैं। अब यदि इतने पर भी आपको हमारी बातें समझ नहीं आ रही हैं, आपको लगता है कि फटाफट से चीजों के बारे में बता देते हैं और जल्दी से उपयोग के तरीके समझा दें, यानी कि अभी भी आपके मन में जल्दबाजी और चंचलता का भाव है, तो हम आपसे कहेंगे कि आपके लिए यह कार्यक्रम नहीं बना है, इसे इसी समय छोड़कर आप जा सकते हैं। कॉमेडी वीडियो देखिए या फिर गली मोहल्ले में नुक्कड़ पर बैठकर गप्पे हाँकिए, आपके लिए वही ठीक रहेगा। अभी आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं हुए हैं, तो उम्मीद है बंधुओं कि आप हमारी बातें, हमारी भावनाएं सब समझ चुके हैं। कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहर, जिन्हें सचमुच में कुछ करना है वे तो निश्चित तौर पर रुकेंगे। तो चलिए बंधुओं, माता रानी को याद करते हैं और इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, क्योंकि यही सबसे शुभ और सर्वोत्तम शुरुआत होती है। तो कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ माता रानी को याद करते हुए लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो, जय मां लक्ष्मी कृपा करो, माता रानी की आपके ऊपर पूरी कृपा होगी, हमें पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ साथ बंधुओं, आप यदि इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि YouTube फोर होता है, यानी कि ज्ञान की पराकाष्ठा और चरम सीमा और शुद्धता यहीं पर आपको मिलेगी। बाकी लोग हमको नकल कर करके तो उल्टे सीधे तमाम कार्यक्रम बनाते ही रहते हैं। शुद्ध ज्ञान चाहिए आपको, तो आप इस चैनल को इसी समय सब्सक्राइब कर लें और हमारे और माता रानी की दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएं। चलिए बंधु, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए, जीवन में यदि कहीं तकलीफ है, दुख, दर्द, परेशानियां हैं, तो एक बात तय है कि जरूर कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से खामियां भी हैं। कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके जीवन में इन नकारात्मक चीजों को आकर्षित कर रही हैं। याद रखिए कि जीवन में जो दुख, तकलीफ और परेशानियां होती हैं, वे बीमारियों की तरह होती हैं। अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी है, तो निश्चित तौर पर हमारी जीवन शैली, हमारे खान पान और हमारे व्यवहार में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामी जरूर है, तो हमें उन खामियों को मिटाना होगा, तब बीमारी से मुक्ति प्राप्त होगी। वरना केवल इलाज लेने मात्र से तो कुछ समय की राहत मिलेगी, फिर वैसी ही स्थिति बन जाएगी। कहने का मतलब यह है कि आपको अपने जीवन को पूर्ण रूप से शुद्ध और सकारात्मक करना होगा, फिर आपके ऊपर चीजें और क्रियाएं और भगवत कृपा कार्य करना शुरू करेगी। अब आप यह कैसे करेंगे, जरा ध्यान से सुनिए। आपको अपने जीवन में तीन नियम हैं जो हमेशा अटल विधान के रूप में मानकर चलने चाहिए, जिससे आपके जीवन में ताका भाव उत्पन्न होने लगता है।
नकारात्मकता कमजोर पड़ने लगती है, तो वे तीन कार्य कौन से हैं? जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहला कार्य कि आपको अपना स्वभाव कुछ इस प्रकार का बनाना है कि आपकी बातों में, आपके व्यवहार में, आपके चाल चलन में बड़ा ही विनम्र और प्रेमी स्वभाव उत्पन्न हो जाए। आपके मन में और आपके जीवन में कितनी तकलीफें चल रही हैं, यह आपकी समस्या है, आपको उससे जूझना होगा। दुनिया पर क्रोध करने से, चिड़चिड़ापन दिखाने से, उल्टी सीधी बातें बोल देने से आपका कुछ भला नहीं होगा, बुरा ही होगा। दुनिया आपकी ओर नकारात्मकता ही भेजेगी, यानी कि गलत भाव गलत चीजों को ही आकर्षित करेंगे, यानी स्वभाव पर नियंत्रण। यह आपको बहुत जरूरी है, सीखना ही चाहिए। आपके स्वभाव में तीन बड़ी कमियां हैं। पहली कमी कि आप जिससे जुड़ते हैं बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं और दिल से रिश्ता बना लेते हैं। यह पहली कमी है। किसी से भी इतनी जल्दी दिल का रिश्ता नहीं बनाते हैं। अपने राज, अपनी भविष्य की योजनाएं नहीं बताते हैं। लोगों से बस उतना ही व्यवहार करिए जितना कि समय हमें अनुमति देता है। दूसरी कमी आपके अंदर यह है कि आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। आपको जब क्रोध आता है तो आप क्रोध में डूब जाते हैं और फिर आपके मन में जो आता है आप दूसरों से कह डालते हैं। बाद में भले ही आपको पछतावा हो, परंतु बात तो बिगड़ ही जाती है। और तीसरा कि आप कान के कुछ कच्चे भी हैं, यानी कि कोई आपको कोई चीज बताता है, किसी बात को बताता है, तो आप तुरंत उस पर विश्वास कर बैठते हैं। फिर भले ही बाद में वह बात झूठी साबित हो जाए और आपको भी इस बात से नुकसान हो जाए, यानी आपकी छवि भी खराब हो जाए, लेकिन आप ऐसा करते अवश्य हैं। आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए कि आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि नहीं कि किसी ने आपको बताया कि इस जगह पैसा लगाओ, यहां से खूब सारा फायदा निकलेगा, और आपने पैसा लगा दिया। बाद में वहां से फायदा तो दूर, आपकी खुद की जो रकम थी उसके भी लेने के देने पड़ गए। ऐसा हुआ है कि नहीं? निश्चित तौर पर हुआ है। किसी की बातों पर विश्वास करके आपने धोखा खाया है और अपना मान सम्मान भी गवाया है और अपनी ही नजरों में आप गिरे हैं। तो ये तीन कमियां हैं, इनको आपको दूर करना है। अब बात करते हैं दूसरी, जिसे अपने जीवन में आपको लागू करना है। वह बात क्या है? दूसरी बात यह है कि आपको जिस भी भगवान में आपका भाव है, उनकी भक्ति निरंतर, लगातार, नियमित, अखंड रूप से करनी है। जी हां बंधुओं, हमने आपको एक कार्यक्रम में बताया था कि आप जिस भी भगवान में भाव रखते हैं, उनके लिए कम से कम महीने या दो महीने में एक बार कोई छोटा मोटा अनुष्ठान अवश्य किया करिए। जैसे कि भोले बाबा में भक्ति है आपकी, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 11 दिनों तक प्रतिदिन 11 हिमाला ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करेंगे। ऐसा संकल्प लेकर आप मंदिर में भी कर सकते हैं, यह जाप या घर पर भी कर सकते हैं। जब हम अनुष्ठान लेकर पूजा करते हैं, संकल्प लेकर पूजा करते हैं, तो हमारी जो पूजा पाठ है वह दिव्य शक्तियों को हमारी ओर बड़ी तीव्रता के साथ आकर्षित करती है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि अपने माता पिता को रिझाने के लिए अब कोई छोटा बच्चा होता है, वह एक ग्रीटिंग कार्ड बनाकर दे देता है। अब उस ग्रीटिंग कार्ड से माता पिता को कोई लाभ नहीं है, परंतु वह माता पिता के प्रति अपना प्रेम दिखाकर अन्य बालकों की अपेक्षा दिल जीत लेता है और माता पिता उससे लाड़ करने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं। बिल्कुल वैसे ही आप जब किसी देवता का अनुष्ठान करते हैं और भक्ति भाव के साथ जाप करने लगते हैं, तो उस देवता का लाड़ प्यार भावनाएं आपकी ओर आकर्षित होती हैं। निश्चित गारंटीड लाभ प्राप्त होता है, हम लिख कर दे सकते हैं। तो आप जिस भी देवता में भाव रखते हैं, महीने दो महीने में एक आध बार अनुष्ठान अवश्य किया करिए, यह बहुत आवश्यक है। तीसरा, सकारात्मक रहने की शक्ति को पहचानना होगा। आपने वह कहानी तो सुनी ही होगी राजा और उसके मित्र मंत्री की, जिसमें वह मंत्री जो है वह हर बात में सकारात्मक रहता है। कितना ही बुरा उसके जीवन में क्यों ना हो जाए, वह हमेशा यही कहता है कि जो भी कुछ हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है। आपके अपने मन में भी यही भाव हमेशा आपको रखना है। जो भी जीवन में चल रहा है सब अच्छे के लिए है, आपकी मर्जी का हो रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी मर्जी का नहीं हो रहा है तो वह निश्चित ही भगवान की मर्जी का हो रहा है। और जब आपके जीवन में भगवान फैसले ले रहे हैं और अपनी मर्जी से ही कार्य कर रहे हैं, तो फिर इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि आप भगवान की मर्जी का जीवन जी रहे हैं।
इसलिए आपको सकारात्मक रहना होगा। हर बात में सकारात्मक रहिए। कोई भी कार्य करने चलिए, हमेशा यही सोचिए कि इस कार्य में मुझे सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अभी आपका भाव कुछ ऐसा है कि आपसे कोई कोई भी बात बता दे, आपको लगता है कि ये बात काम नहीं करेगी। कोई भी काम आप करने चले तो आपको लगता है कि कहीं असफल हो गए तो क्या होगा। कुछ भी आप करने चले, हमेशा पहले नकारात्मक भाव मन में आते हैं, जो कि ठीक नहीं है। आपको शुद्ध सकारात्मक रहना होगा और केवल जीवन की उजली और सकारात्मक दिशा में ही देखना है। जी हाँ बंधुओं, वह कहावत भी हमने एक बार आपको बताई थी कि जब तक सांस है तब तक आस है। आस क्या है? सकारात्मकता है, उम्मीद है। तो आपको हमेशा जीवन में सकारात्मक भाव रखने हैं। जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, भगवान अपनी मर्जी से कर रहे हैं और भगवान आपके साथ कभी गलत कर ही नहीं सकते हैं। हो सकता है कि आज हमें गलत लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में यह हमें बहुत अच्छा लगेगा, जब सचमुच में इसके पीछे की अच्छाई हमें समझ में आ जाएगी। इस बात को समझाने के लिए एक बहुत छोटी सी कहानी है, जिसे आप सुनिए, आपको बहुत इससे मनोबल प्राप्त होगा। एक बार की बात है कि यमदूतों से कहा गया कि जाओ नीचे, एक महिला मृत हो चुकी है, उसकी आत्मा को लेकर आओ। तो यमदूत जाते हैं और देखते हैं कि महिला रेलवे स्टेशन पर मृत पड़ी है और उसके पास तीन बच्चियां बैठी हैं। एक बच्ची तो इतनी अबोध है कि वह अपनी मृत मां के स्तनपान में ही लगी हुई है और दो बच्चियां भी बहुत छोटी छोटी हैं, उन्हें भी दुनियादारी का कोई ज्ञान नहीं है। यमदूत ने जब उस महिला को और उन बच्चियों को देखा तो उससे रह नहीं गया, उसे बहुत दया आई और वह यमराज के पास गया और बोला, महाराज प्रभु हमसे ऐसा काम ना कराइए, इस महिला की बच्चियां बहुत छोटी हैं, इन्हें जीवन दान दे दीजिए, नहीं तो बेचारी ये भी मारी जाएंगी। यमराज ने कहा कि मूर्ख, तूने विधि के विधान में टांग अड़ा दी है। तुझे उस महिला को यहां लेकर आने के लिए भेजा गया था और तू खाली हाथ चला आया। अब वह महिला तो मर ही चुकी है, उसे तो कोई ना कोई लेकर आएगा ही, लेकिन तेरा दंड यह है कि तू जा मृत्यु लोक में और तुझे लंबे समय तक मृत्यु लोक में ही रहना होगा और उन बच्चियों की परिस्थिति को देखना होगा कि कैसे प्रकृति अपना कार्य करती है, या यूं कहें कि भगवान अपना कार्य करते हैं। तो वह यमदूत मानव रूप लेकर मृत्यु लोक में ही रहने लगा। अब वह देखता क्या है? वैसे कहानी तो बहुत लंबी है बंधुओं, लेकिन हम आपको शॉर्ट में समझा रहे हैं ताकि आपको जीवन का विधान समझ में आए। तो अब वह देखता क्या है कि उस मृत महिला के पास भीड़ इकट्ठी हो जाती है और एक दंपति उस अबोध बालिका को उठा लेते हैं, जो कि उस शहर के बहुत रहीस इंसान थे, लेकिन उनके पास कोई बच्चे नहीं थे, यानी कि वे संतानहीन थे। उस बच्ची को देखते ही उस महिला के मन में मातृत्व उमड़ जाता है और वह उस बच्ची को उठाकर अपने सीने से लगा लेती है। इसी प्रकार उसी भीड़ में एक संत भी खड़े थे, उनके मन में भी भाव उत्पन्न होते हैं तो एक बच्ची को संत अपने साथ रख लेते हैं और उसे ईश्वर का ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार उस राज्य के मंत्री के पास यह खबर पहुंचती है कि एक औरत की तीन बच्चियां रेलवे स्टेशन पर हैं। दो बच्चियों को तो लोगों ने गोद ले लिया, एक रह गई है, तो मंत्री जी उस छोटी सी बच्ची को गोद ले लेते हैं। अब एक बच्ची तो बहुत रईस इंसान के घर पहुंच गई, एक संत के यहां पहुंच गई और एक उस राज्य के मंत्री के घर पहुंच गई, यानी एक मंत्री की बेटी, एक करोड़पति की बेटी और एक संत की बेटी, तीनों की ही भाग्य दिशा और परिस्थितियां पूर्ण रूप से बदल गई। अगर अपनी मां के साथ रहती तो जीवन भर भीख ही मांगनी पड़ती, उसी रेलवे स्टेशन पर पड़ी रही थी, लेकिन विधाता ने उनके भाग्य में कुछ और लिखा था, तो उन तीनों का जीवन पूर्ण रूप से बदल गया और उनका भाग्य चमक उठा। ईश्वर इसी प्रकार कार्य कर हैं। एक और जहां पीड़ाएं जीवन में आती हैं तो हम रोने लगते हैं, लेकिन जब उन्हीं पीड़ाओं के माध्यम से जीवन में हमारे सौभाग्य के दरवाजे खुलते हैं और हमें कुछ बहुत बड़ा हासिल होता है तो हम हंसने लगते हैं। हम भगवान के विधान को समझ नहीं सकते तो फिर नकारात्मक रहने से कोई लाभ नहीं है। सकारात्मक रहिए तो जीवन में कष्ट बड़ी जल्दी जल्दी कट जाते हैं। उम्मीद है बंधुओं कि यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया है कि कैसे आपको अपने जीवन में सकारात्मक रहना है और अपने जीवन की दिशा को और दशा को पूर्ण रूप से शुद्ध बना लेना है। साथ ही साथ छोटे छोटे कुछ और कार्य भी हैं जिन्हें आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए,
जैसे कुछ लोग समाज में होते हैं जो हमेशा बुराइयां करते रहते हैं, शिकायतें करते रहते हैं, हर बात में कमी निकालते रहते हैं। ऐसे लोगों से आपको कोसों दूर रहना चाहिए। इन लोगों की बातें अच्छी जरूर लगती हैं कि हर एक की बुराई कर रही हैं, मजा आ रहा है, लेकिन असल में ये लोग भयंकर नकारात्मक होते हैं। ये खुद तो जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं, साथ रहने लगता है उसके जीवन की नया को भी डुबाने का कार्य करते हैं। ऐसे लोगों से आपको कोस दूर रहना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, उनके पीछे के भाव को समझना चाहिए, कहानियों की तरह नहीं उनकी गहराइयों को समझना चाहिए, सत्संग और प्रवचन भी करने चाहिए। बंधुओं, इन सब से चित्त शुद्धि होती है और जीवन में मुक्ति का मार्ग खुलता है। इन सारे कार्यों को करने के बाद आप तैयार हो चुके हैं कि अब माता लक्ष्मी आपके जीवन में पधारें और हमेशा के लिए स्थापित और विराजमान हो जाएंगी। अब आप जो भी कार्य करेंगे आप उसमें कामयाब होते चले जाएंगे। अब हो सकता है कि कुछ लोग यहां पर यह कहें कि इतने सारे लोग करोड़पति होते हैं, क्या वे सब यह सब करते रहते हैं? क्या पैसे वाले लोग जो जीवन में सुख भोग रहे हैं वे सभी इसी तरह रहते हैं? तो हम आपको बता दें बंधुओं कि कोई भी अपने निजी जीवन की बातें आपको नहीं बताने वाला है। बहुत सारे करोड़पति पैसे वाले राजनेता, उच्च अधिकारी, बड़े बड़े ज्योतिषियों से, पंडितों से जुड़े रहते हैं और गुप्त रूप से कई तांत्रिक अनुष्ठान करवाते रहते हैं। कभी आपको नहीं बताएंगे, अपने नाम में परिवर्तन कराते हैं, अपनी कुंडलियां दिखाते हैं, हाथ में रत्न वगैरह धारण करके रखते हैं, रुद्राक्ष वगैरह धारण करके रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? किसी विशेष दिन पर कोई विशेष रंग का ही लिबास पहनते हैं। यहां तक कि अपना घर और अपनी गाड़ियों तक के नंबर ज्योतिषियों की सलाह से ही निकलवा है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वे इसी तरीके से तो पैसे वाले बने हैं। खाली मेहनत करने से और काम करने से ही यदि लाखों करोड़ों की दौलत मिलती, माता लक्ष्मी का साथ मिलता, तो हर एक मजदूर करोड़पति होता, हर एक लेवर करोड़ों में खेल रहा होता और गधा जंगल का राजा होता। जी हां बंधुओं, लेकिन यह सच नहीं है। तो बंधुओं, यहां तक सारी बातें जो हमने आपको बताई हैं वे इसीलिए बताई हैं ताकि जो चीजें अब हम आपको बताने जा रहे हैं उनको काम करने के लिए एक सही वातावरण का निर्माण हो सके। वरना चीजें तो एक बार में बताई भी जा सकती हैं और उन्हें प्रयोग कर लो जल्दी जल्दी से, लेकिन काम नहीं करेंगी। ये बिल्कुल दवा की तरह होती है। जब तक परहेज नहीं करेंगे दवाओं का सही असर नहीं होगा, इसलिए सारी बातें जानना बेहद आवश्यक है। अब यहां तक आप सब कुछ समझ चुके हैं। कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जिन्हें भी ध्यान से समझिए। सबसे पहली चीज, धन का दुरुपयोग बंद करिए। जिन चीजों की आपको सचमुच में जरूरत है केवल उन्हीं चीजों को खरीदने में पैसे को प्रयोग करिए, बाकी पैसे को दबाकर रखिए। किसी की भी जबरदस्ती मदद मत करिए। जरा सा कोई मगरमच्छ के आंसू बहाए और आप पिघल गए और आपने उसको पैसा दे दिया, कर्जा दे दिया, मदद करने के लिए दे दिया, लेकिन बाद में वह आपका पैसा लेकर भाग गया, आपको बात भी नहीं कर रहा और आपसे दुश्मनी मान रहा है। याद रखिए कि यह दुनिया इस तरह नहीं चलती है। यहां जो ज्यादा दुखी और परेशान दिखाई देते हैं, असल में यह उनका काम करवाने का तरीका होता है, उनकी ट्रिक होती है। तो आपको सही तरह से समझना होगा, पैसे की बर्बादी किसी कीमत पर नहीं करनी है, उसे दबाना और उसे संभालना सीखना होगा। दूसरा कि अपना पर्स, अपनी तिजोरी, अपना जो भी गल्ला है, लॉकर है, पैसे के बिना कभी नहीं रखना। उसमें अच्छी खासी रकम हमेशा रखना है, यानी कि शून्य 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 होने ही चाहिए। ज्यादा नहीं तो 50 आपके पर्स में हर वक्त पड़े रहने चाहिए। पूर्ण रूप से इसे लक्ष्मी विहीन नहीं करना है। तीसरा, कर्जा कभी नहीं लेना है कि किसी हालत में नहीं लेना है। याद रखना कि शास्त्रों में लिखा है कि जिस इंसान पर माता लक्ष्मी क्रोधित होती है
उस इंसान के जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि उसे कर्जा लेना पड़ता है, फिर वह उसी कर्जे के फेर में बना रहता है, कभी भी सुख नहीं भोग पाता है, तो कर्जा लेना ही नहीं है। बहुत मुश्किल हो जब जान पर ही बनाई हो या फिर व्यापार से जुड़ी कोई आपकी योजना है, तभी पैसा कर्जा लीजिए, वरना बिल्कुल नहीं जैसा है। जो भी है उसी में काम चलाइए। इन बातों का आप ध्यान रखिए। अब ध्यान से सुनिए, दो चीजों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। यह चीजें बहुत दिव्य और 100% काम करने वाली हैं। अब तक कोई ऐसा हमें मिला ही नहीं जिसने कहा हो कि इन चीजों ने काम नहीं किया है। गुरु जी, तो ध्यान से सुनिए, आपको गुरुवार के दिन पीपल का एक पत्ता लेकर आना है। जी हां बंधुओं, पीपल का पत्ता उसके डंठल के समेत लेकर आना है, यानी डाली पर जहां वो लगा हुआ है वहां से उसे तोड़ना है, तो डंठल के साथ पीपल के पत्ते को आपको लेकर आना है। फिर उस पत्ते को आपको गंगा जल से साफ करना है, पहले साफ स्वच्छ जल से साफ करना, फिर गंगा जल उसके ऊपर छिड़कना, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा इत्र लगाना है। आपको इत्र यानी कि खुशबू जो भगवान के लिए प्रयोग की जाती है उन्हें इत्र कहा जाता है, तो इत्र लगाना है थोड़ा सा आपको। उसके बाद आपको उस पत्ते पर सफेद रंग की जो सिंदूर है, स्याही नहीं सिंदूर, उस सिंदूर से श्रीम लिखना है। जी बंधुओं, श्रीम लिखना है। उसके बाद उसे आप रात भर के लिए अपने पूजा घर मेन रखा छोड़ दीजिए। उसके बाद अगले दिन आपको उस पत्ते को लेना है, और आप जहां भी काम करते हैं, चाहे आपका ऑफिस है, आपका व्यापार है, दुकान है, बिजनेस है, तो एक ऐसी कुर्सी या गद्दी तो होगी ही, जहां आप बैठते होंगे उस गद्दी में अपने नीचे उसे रखना है। आपको पैरों के पास नहीं, यानी कि कुर्सी है तो जो आप कुर्सी पर बैठते हैं, बैठक है, आपको उस कुर्सी पर रखना है, यानी कि एक गद्दी होगी, उस गद्दी के नीचे रखना है। सीधे पत्ते पर ही नहीं बैठना है, उस पत्ते को आपको गद्दी के नीचे रखना है और उसके ऊपर आपको बैठ जाना है, यानी उसे ढक कर रखना है। अगले गुरुवार तक आपको उस पत्ते को रखना है। अगले गुरुवार आपको फिर से जाना है पीपल के पास और एक पत्ता वैसा ही फिर तोड़ कर लाना है, और यही क्रिया फिर से दोहरा है, यानी कि उस पर आप पहले शुद्ध जल से धोएंगे, फिर गंगा जल उसके ऊपर छिड़क के, फिर थोड़ा सा इत्र लगा आएंगे, और फिर श्रीम लिखेंगे, और इस पत्ते को आप फिर वहीं रखेंगे, और जो पुराना पत्ता है उसे निकाल कर आप किसी गुप्त स्थान पर रख लेंगे, फेंके नहीं, अपनी तिजोरी में रख लें या पूजा घर में रख लें, कोई उसे छुए ना और देखे ना। इस तरह से रखना है, सूख जाएगा वह पत्ता तो सूख जाने दें, कोई चिंता की बात नहीं। अब 7 दिन बाद, यानी फिर अगले गुरुवार को आपको यही क्रिया दोहरा है। इस क्रिया को आपको 7 गुरुवार दोहराने हैं। 7 गुरुवार याद रखना बंधुओं, 7 गुरुवार के अंदर अंदर आपका जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा, पैसे की बारिश होने लगेगी, हर जगह से पैसा आएगा। जहां आपका पैसा अटका पड़ा है वह खुद आपको पैसे देकर जाएगा, जहां से आपने सोच रखा है वहां से 1,00,000 गुना पैसा आपके ऊपर बरसेगा। यह क्रिया कभी असफल नहीं हुई, लेकिन अभी यह क्रिया पूर्ण नहीं हुई है, तो आपको जब 7 गुरुवार यह क्रिया हो जाए, यानी 7 पट्टे आपके इकट्ठे हो जाएं, तो फिर आपको इन पत्तों को लपेट लेना है लाल रंग के धागे से, और जगह जगह इस धागे पर इन पत्तों को बांधकर एक माला का स्वरूप दे देना है, यानी आप एक माला बनाएंगे। उसके बाद आपको इस माला को हनुमान जी के मंदिर में जाकर, राम दरबार जो होता है, वहां प्रभु श्री राम और सीता माता के चरणों में रखकर आनी है। इस माला को उम्मीद है आप समझ चुके होंगे पूरी प्रक्रिया को। इस प्रक्रिया को आपको करना है और चमत्कार अपनी आंखों से होते हुए देखना है, बशर्ते कि नियमावली को आपको मानना ही पड़े। अब दूसरी चीज के विषय में सुनिए। दूसरी चीज है चांदी का कोई सिक्का या फिर चांदी का कोई चौकर टुकड़ा। इसे आप हमेशा अपने पर्स में रखिए, किसी को भी दिखाना नहीं है, छुपा कर रखना है। याद रखना कि पर्स आपको चमड़े का यानी लेदर का नहीं होना चाहिए। किसी भी धार्मिक क्रिया और अनुष्ठान में चमड़े की कोई भी चीज प्रयोग मत करना, जीवन भर मत करना, मांसाहार न करना, जीवों को पीड़ा और हिंसा भूलकर भी मत करना, वरना कोई क्रिया काम नहीं करेगी, सब छोड़ देना कोई मतलब नहीं है। तो आप अपने पर्स में चांदी का एक टुकड़ा अवश्य रखिए, हमेशा रखिए, यह आपके लिए बेहद आवश्यक है। बस इन 2 कार्यों को आप करिए और फिर देखिए कि कैसे चमत्कार होने शुरू होते हैं। अब एक जरूरी बात और है जो आपको हम बताना चाहेंगे, ये बहुत काम करती है, हमेशा ही काम करती है। आप जब भी किसी को पैसे दे रहे हैं, जैसे आप कोई सामान खरीद रहे हैं बाजार में,
या फिर आप किसी को ऑनलाइन भी पेमेंट दे रहे हैं, तो जो सामान खरीदते समय आप पैसे देते हैं तो पैसे का जो नोट होता है उसे आप फोल्ड करके रखते हैं। पहली बात तो सिक्के कभी किसी को आप बाजार में सामान खरीदते समय दें ही ना। सिक्के आपको मिल जाए तो उन्हें ले अवश्य ले, लेकिन उन्हें कभी देना, क्योंकि सिक्कों में माता लक्ष्मी की शुद्ध ऊर्जा का वास माना जाता है, तो उन्हें आप किसी को भी ना दें। नोट, जब आप किसी को दें तो नोट को जो फोल्ड करते हैं तो जो खुला हुआ सिरा होता है वह आपकी ओर होना चाहिए, और जो मुड़ा हुआ सिरा होता है वह देने वाले की ओर होना चाहिए। और साथ ही साथ मन में यह एक दो बार जरूर बोलें, 708 यानी 708 अनंत होकर वापस आना। यह एक दो बार बोल दे, यह उस जाते हुए धन से आप कह रहे हैं यह चीज कार्य करती है। यकीन मानिए, आपको एक दो बार यह बोल देना है, 708 अनंत होकर वापस आना। तो आप जितना पैसा दूसरों को दे रहे हैं, चाहे भले ही आप सामान खरीद रहे हो, वह पैसा 10 गुना 100 गुना 1000 गुना बनकर आपके पास आएगा ही आएगा, हर हालत में आएगा। आप 2000 खर्च करके आएंगे और 2-4 दिन में ही कुछ ऐसा होगा कि 20000 आपके घर में आ जाएंगे, या आपके 2000 तो कहीं ना कहीं से आ ही जाएंगे। यह इस तरह कार्य करती है। दूसरा, कि जो सिक्के आपके पास आते हैं उन सिक्कों को आप पूजा घर में रखिए, कभी छोटी कन्याओं को भोजन करा दीजिए। शुक्रवार के दिन जब एक रकम इकट्ठी हो जाए तो खीर बनवाए और छोटी छोटी कन्याओं को गली मोहल्ले की बुलाकर खीर खिला दीजिए, और या फिर उन सिक्कों को ले जाकर मंदिर के दान पात्र में डाल दीजिए। मंदिर में कोई पूजा पाठ अनुष्ठान भोज वगैरह होगा, भंडारा होगा, उसमें आपकी रकम प्रयोग हो जाएगी। यह सर्वोत्तम क्रिया है, इसे भी याद रखना है। इस तरह से आप यदि अपने जीवन में बदलाव लाएंगे तो हम आपसे गारंटी के साथ कहते हैं कि अगले 4 से 6 महीने में करोड़पति आप ही होंगे। हम लिख कर दे सकते हैं, इन बातों को आपको जैसा हमने कहा है बिल्कुल वैसे ही अपने जीवन में उतारना होगा का। और एक बात कि इन बातों को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। यदि आप यहां तक कार्यक्रम में आ चुके हैं तो इसका मतलब है कि आप बहुत गंभीर हैं, जीवन में बदलाव लाने के लिए तैयार हैं। तो बस इन कार्यों को अवश्य करिए। उम्मीद है बंधुओं कि यहां तक सारी बातें आपको समझ में आ चुकी हैं। इन बातों को जीवन में उतारिए, और यदि कोई मार्गदर्शन प्राप्त करना हो, कुछ चीजें समझ में ना आई हो, तो आप जवाब अवश्य देंगे। माता रानी ने आदेश कर दिया है, अब बहुत जल्द हम फोन पर भी आपसे बात कर पाएंगे। व्यवस्थाएं कुछ ऐसी बनने वाली हैं। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। आज के महत्वपूर्ण राशिफल से देखिए दोस्तों, आज का दिन बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है, क्योंकि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपके जीवन पर बरसने वाला है। जब भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी किसी के जीवन में अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं तो वह समय साधारण नहीं होता। यह समय ऐसा होता है जब व्यक्ति के जीवन की हर दिशा में परिवर्तन होता है, और यह परिवर्तन केवल सकारात्मक होता है। आज के अगले 24 घंटे आपके जीवन में खुशियों की एक नई लहर लेकर आएंगे। आप महसूस करेंगे कि जिन चीजों के लिए आप लंबे समय से प्रयास कर रहे थे वे अब साकार होने वाली हैं। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद धन और समृद्धि का प्रतीक है। अगर आपने मन में कोई बड़ा सपना देखा है तो भगवान विष्णु के आशीर्वाद से वह सपना अब सच हो सकता है। देखिए दोस्तों, कभी कभी जीवन में ऐसा लगता है कि कोई रास्ता नहीं बचा है, लेकिन जब माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु आपकी ओर देखते हैं तो आपके जीवन में ऐसे चमत्कार होते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। यदि आपके धन से जुड़ी समस्याएं हैं तो अब आपको समाधान मिलने वाला है। माता लक्ष्मी आपके घर में स्थिरता और शांति लेकर आएंगी। आप यह महसूस करेंगे कि आपके आसपास के लोग आपकी मदद के लिए तैयार हो रहे हैं। जो लोग पहले आपकी बातों को नजरअंदाज करते थे वे अब आपके साथ खड़े होंगे। भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपके संबंधों में मधुरता लाएगा। परिवार के बीच यदि किसी प्रकार का तनाव चल रहा था तो वह समाप्त होगा। आज का दिन आपके कार्य क्षेत्र में भी बहुत ही खास होगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो बॉस और सहकर्मियों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। व्यवसाय कर रहे लोग ध्यान दें कि माता लक्ष्मी आपके कारोबार में वृद्धि लाने वाली हैं। अगर आप किसी निवेश की योजना बना रहे थे तो यह समय सबसे उपयुक्त है।
भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपके हर फैसले को सफलता की ओर ले जाएगा। देखिए दोस्तों, एक और चमत्कार जो आज आपको देखने को मिल सकता है वह यह है कि आपके शत्रु पराजित होंगे। अगर कोई व्यक्ति आपके खिलाफ साजिश कर रहा था तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से अब वह व्यक्ति खुद अपने रास्ते से हट जाएगा। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद न केवल भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करेगा बल्कि यह आपके मन को भी शांति देगा। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपका जीवन एक नई दिशा में बढ़ रहा है। भगवान विष्णु की कृपा से आपके भीतर की नकारात्मकता समाप्त होगी और आप नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होंगे। दोस्तों, अगर आप इस समय कोई बड़ा निर्णय लेने की सोच रहे हैं तो भगवान विष्णु की कृपा से वह निर्णय आपके लिए लाभदायक होगा। याद रखें कि माता लक्ष्मी केवल उन्हीं पर कृपा करती हैं जो सच्चे मन से परिश्रम करते हैं। आज का दिन एक विशेष संकेत भी लेकर आएगा। अगर आपको कहीं अचानक कोई सफेद फूल दिखे या कोई शुभ संदेश सुनने को मिले तो समझ लें कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने आपको अपनी कृपा से नवाजा है। ऐसे संकेतों को नजरअंदाज न करें। आज का दिन इस बात का भी है कि आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। भगवान विष्णु चाहते हैं कि आप अपने रिश्तों को मजबूत करें। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके घर में खुशियां आएंगी। बच्चों के भविष्य को लेकर अगर आप चिंतित थे तो अब वह चिंता समाप्त होगी। तो दोस्तों, इस समय को व्यर्थ न जाने दें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। उनकी कृपा से आपके जीवन की हर समस्या का समाधान निकलेगा। अगर आपको लगता है कि यह संदेश आपके जीवन में बदलाव ला सकता है तो इसे औरों के साथ भी साझा करें और माता लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु का धन्यवाद करें। देखिए दोस्तों, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से जब जीवन में परिवर्तन आता है तो वह हर दिशा में महसूस होता है। अब अगले कुछ घंटों में आपको कुछ ऐसे संकेत मिल सकते हैं जो इस बात की पुष्टि करेंगे कि आपके जीवन में शुभ समय आ गया है। अगर आप कहीं जाते समय अचानक कोई शुभ मंत्र सुने, जैसे AUM नमो भगवते वासुदेवाय या श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः, तो समझ लें कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपको यह संकेत दे रहे हैं कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। दोस्तों, आज के दिन अगर आप किसी महत्वपूर्ण काम की शुरुआत करने जा रहे हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का नाम लेकर शुरुआत करें। यह आपकी हर योजना को सफलता दिलाएगा। अगर आप किसी नई नौकरी की तलाश में हैं तो आज का दिन आपको सकारात्मक समाचार दे सकता है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद यह सुनिश्चित करेगा कि आपकी मेहनत रंग लाए और आपको वह फल मिले जिसकी आपको लंबे समय से प्रतीक्षा थी। आर्थिक रूप से यह समय अत्यंत शुभ है। अगर आप किसी कर्ज में फंसे हुए थे तो माता लक्ष्मी की कृपा से अब वह कर्ज उतरने का मार्ग खुलने वाला है। अगर आपने किसी से पैसे उधार दिए थे और वह वापस नहीं मिल रहे थे तो भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको वह धन वापस दिलाएगा। याद रखें, माता लक्ष्मी उन्हीं के साथ रहती हैं जो अपने धन का सही उपयोग करते हैं और दूसरों की सहायता के लिए भी तत्पर रहते हैं। आपके घर में भी एक विशेष सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा। अगर लंबे समय से घर में कोई कलह या असहमति चल रही थी तो अब वह समाप्त होगी। माता लक्ष्मी आपके घर में सौहार्द और शांति लेकर आएंगी। परिवार के सदस्य अब अधिक समझदारी और प्रेम से व्यवहार करेंगे। दोस्तों, आज का दिन स्वास्थ्य के लिए भी विशेष शुभ संकेत लेकर आ रहा है। अगर आप किसी पुरानी बीमारी से परेशान थे तो भगवान विष्णु की कृपा से आपको राहत मिलेगी। ध्यान रखें कि भगवान विष्णु का ध्यान करने से मन और शरीर दोनों को शांति मिलती है। आप AUM नारायणाय नमः मंत्र का जप करें, यह आपके लिए चमत्कारी परिणाम ला सकता है।